हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि केक का बेस कैसे बनाते हैं। यूट्यूब पे आज दिन तक किसी ने ओरिजिनल तरीका नहीं बताया है कि केक का बेस कैसे तैयार करते हैं। जैसे कि होम बेकर्स का केक सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन कोई भी ये तरीका नहीं बताता है। सब यही बोलते हैं दही डाल दो, छाछ डाल दो, तेल, शक्कर, मैदा, ये वो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। इसका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होता है जो बेकरी वाले और होम बेकर्स यूज़ करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये सब मैंने भी जब इसकी क्लास ज्वाइन करी और तब मुझे पता चला कि ये इस तरीके से बनता है। देख सकते हैं कितना परफेक्ट स्पंज वाला जो हमारा केक का बेस है वो बन के तैयार हुआ है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से एक वेट की मशीन चाहिए। ये 200 से 250 रुपये में ईजिली आपको मार्केट में कहीं पर मिल जाएगी, अमेज़ोन पर भी मिल जाएगी, तो आप परचेस कर सकते हैं। और इसको आपको इस तरह से ऑन कर लेना है, और जब जीरो पे आ जाती है तो एक आपको इस तरह से कोई भी बर्तन रख लेना है। आपके पास अगर कांच का बाउल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से रख के उसके बाद में जो तीसरा नंबर का बटन है टेयर वाला, ये दबा देना है तो फिर से जीरो पे हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे केक के बेस के लिए एक पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इसको बोलते हैं प्रीमिक्स। ये इजीली जहाँ पे केक बनाने का सामान मिलता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको 1 पाउंड का केक बनाने के लिए 200 ग्राम प्रीमिक्स लेना है। 200 ग्राम प्रीमिक्स लेने के बाद में आपको इसमें पानी ऐड करना है। जो पानी हम नॉर्मली पीते हैं वही पानी आपको इसमें ऐड करना है। बस इसी तरह से आपको वापस से टेयर कर लेना तो 0-0 हो जाएगा, और नहीं तो आप वेट ध्यान में रख सकते हैं ताकि आपको पता चले। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की दिक्कत थी, इस वजह से इसका जो वेट है वो आपको दिख नहीं पा रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये नॉर्मली पानी लिया है मैंने जो हम पीते हैं, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है ये पानी। धीरे धीरे करके आपको डालना है, एकदम से नहीं डालना है। तो इस तरह से आपको इसमें 100 ग्राम पानी मिलाना है, मतलब 200 ग्राम हमने प्रीमिक्स पाउडर लिया है तो 100 ग्राम उसमें पानी ऐड करना है। 100 ग्राम पानी हो गया है इसमें, अब हमको इनको अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए अगर आप प्रोफेशनल में जा रहे हैं तो आपके पास ये बीटर होना बहुत ज़रूरी है। और ये बीटर मैंने ख़रीदा था केक बनाने के लिए, तो उसके अंदर आपको ऐसे इस तरह से जो लिड मिलती है वो लगानी है। देख सकते हैं आपको ये होल दिख रहे होंगे, तो बस आपको इजीली सीधा रख के उस तरह से प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे इसमें फिट हो जाएगा। अच्छे से दोनों को आपको फिट कर लेना है। एक बार आपको थोड़ा सा खींच के चेक कर लेना है प्रॉपरली। देख सकते हैं आप अच्छे से फिट हो गया ये। आप चाहें तो स्पेचुला से मिला सकते हैं, लेकिन लम्स वगैरह रह जाते हैं, इस वजह से अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हो तो बीटर होना बहुत ज़रूरी है, उसी से सारा हमारा काम होता है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। पहले मशीन, ये जो बीटर होता है, इसको चलाने से पहले आप इस तरह से 2-4 बार इसमें घुमा लीजिए, ताकि क्या होता है एकदम से जब आप चलाते हैं ना तो सूखा और ये अलग अलग होता है तो ये एकदम से उड़ता है, तो ये उड़े नहीं। मैंने 2-3 बार इसे मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको ऑन किया है, और इसका कोई टाइम नहीं होता है, बस आपको देखना है कि प्रॉपरली ये मिक्स हो जाए। तो 1-1.5 मिनट लगता है इसको इस तरह से मिक्स करने में। अच्छे से ये मिक्स हो गया है, और जब ये मिक्स हो जाए आपको लगे तो आपको धीरे धीरे बीटर को उठाना है, एकदम से नहीं उठाना है, नहीं तो जो इसमें लगा हुआ है ना बेटर वो सारा इधर उधर उड़ जाएगा। देखो इस तरीके से आप उठाओगे तो वापस से ये जो हमारा क्लीन हो जाएगा। और अब इसमें हम तेल ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल जो होता है ना वो ऐड करेंगे। एक्चुअली वो मैं जो है क्लिप वो शूट नहीं कर पाई थी। यहाँ पे आपको 10 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड करना है जिसमें कोई खुशबू वगैरह ना हो, जैसे कि आप राइस ब्रेन ऑयल या फिर सोयाबीन का तेल ये सब ऐड कर सकते हैं। ओनली 10 ग्राम ऐड करना है बस आपको, और फिर से आपको 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से चला लेना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। प्रॉपरली आपको इसको मिक्स कर लेना है, और फिर बीटर को आपको बाहर निकाल लेना है, घुमाते जाना है और चलाते जाना है आपको। बस हमारा ये बेटर है जो मिक्स हो गया है अच्छे से। अब आपको क्या करना है, एक बार स्पैचुला की मदद से पूरा अच्छे से वापस हाथ से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये पूरा प्रोफेशनल तरीका बता रही हूँ जो प्रोफेशनल लोग करते हैं, इसी तरह से केक का बेस तैयार होता है। तो एक केक टिन ले लेना है, और उसमें थोड़ा सा वही वाला कुकिंग ऑयल जो था वही डाल दिया है मैंने, और इसको अच्छे से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे हम चारों तरफ। आपको अच्छे से इक्वली ग्रीस कर लेना है, और इसके बाद में अगर आपके पास बटर पेपर है तो अच्छी बात है, आप वो लगा सकते हैं काट के, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर सकते हैं। अच्छे से आप मैदा स्प्रिंकल कर दीजिए इसमें, और जो हमारा बैटर है वो सारा इसमें ट्रांसफ़र करना है। अब
और जब तक ये होता है आप बेटर ट्रांसफ़र करते हैं तब तक आप गैस पे कुकर चढ़ाना है, प्री हीट होने के लिए 5 मिनट तक उसको प्री हीट करना होता है। मैंने गैस पे एक तरफ कुकर चढ़ा दिया है। अगर आपके पास OTG है तो आप उस पर 180 डिग्री पे भी 30 से 35 मिनट बेक कर सकते हैं, लेकिन अगर OTG नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुकर में भी बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। अच्छे से टैप कर लेना है 3 से 4 बार। अब देख सकते हैं कुकर मैंने पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था, इसकी सीटी निकाल लेनी है आपको। और अब इसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे, अगर रोटी वाली जो नॉर्मल स्टैंड होती है हमारे पास में इस तरह की, अगर वो है तो आप वो रख दीजिए, नहीं है तो आप कटोरी प्लेट कुछ भी रख सकते हैं ताकि ये नीचे कुकर के तले से थोड़ा सा ऊपर रहे और जले नहीं। इस तरीके से रख के उसके बाद हमें धीरे से जो हमारा केक टिन है उसे अंदर रख देना है। आप आराम से इसको रखें क्योंकि कुकर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आपके हाथ के ना चिपके, इस बात का पूरा ध्यान रखें। बीचों बीच सेंटर में इसको अच्छे से रख देना है और फिर हम वापस इसकी ढक्कन को जो है बंद कर देंगे। और 30 मिनट के पहले आपको इसको खोलना नहीं है, बिल्कुल लो टू मीडियम, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसको बेक होने देना है। इसी तरीके से अगर बीच में आप खोलेंगे तो आपका जो केक है ना वो नीचे बैठ जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। जब तक हमारा बेक हो रहा है केक तब तक हम इसको साफ़ कर लेते हैं। इसको खोलने का तरीका भी बिल्कुल आसान है, ऊपर जो बटन होता है उसको प्रेस करेंगे तो ये निकल के आपके हाथ में आ जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये 0 पे होना ज़रूरी है, अगर ये ऊपर की जहाँ पे चल्लू होता वहाँ होगा 2, 3, 4 पे तो ये खुलेगा नहीं और ये निकलेगी नहीं लिड। अब 35 मिनट हो गए हैं, 35 मिनट के बाद हम केक को एक बार चेक कर लेंगे। और जब 25 से 30 मिनट होने वाले होते हैं ना तो केक की एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है, उससे पता चल जाता है कि केक हमारा बेक हो गया है। अगर आपके पास टूथपिक है तो आप उससे चेक कर सकते हैं, नहीं है तो नाइफ़ तो हर घर में होता है, इसी तरीके से आप नाइफ़ से चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं परफेक्ट बेक हो गया है एक ही बार में, हमें बार बार अब इसको और बेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप धीरे से इसको वापस एक बाहर निकाल लीजिए, बहुत ही आराम से ये सब काम करना है। इस तरीके से आप आराम से इसको बाहर निकाल दीजिए। अभी ये बहुत गर्म है तो अभी इसको डीमोल्ड करने के लिए पहले इसको रूम टेम्परेचर पे आना होगा, तो 1 से 1.5 घंटा आपको इसको ऐसे ही रखना है। आप चाहें तो इस पर गीला कपड़ा ढक सकते हैं, किचन टॉवल जो हमारा होता है, नेपकिन वगैरह या कुछ भी, वो इस तरीके से गीला करके और ढक सकते हैं ताकि ऊपर से इसकी लेयर जो है ना वो कड़क ना हो। इस तरह से ढक के और आपको 1 घंटा रख देना है, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अभी ठंडा हो गया है तो एक बार आपको नाइफ को इस तरह से घुमा लेना है अच्छे से। अब इसको घुमाने के बाद में आपको एक प्लेट लेना है और इस तरह से इसको उल्टा कर लेना है, इजीली ये बाहर आ जाएगा, बस थोड़ा सा टैप करने की जरूरत है। देख सकते हैं परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बना है हमारा केक का बेस, नीचे से बिल्कुल जला भी नहीं है, बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल बेकरी वाले स्टाइल में। अब आप भी आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं। अगर आप इस केक का डेकोरेशन भी जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी।